हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो उसका टाइटल जो है वही है, इंडिया इज सो कन्फ्यूजिंग, ये इसका टाइटल है। और ये जिस YouTube चैनल की वीडियो है वो है अभी एंड न्यू, काफ़ी अच्छा चैनल है ये। काफ़ी यूनिक जो होते हैं ना कंसेप्ट होते हैं या फिर आइडिया होते हैं उन पे ये जो है वीडियो बनाते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो इनका ओरिजिनल जो YouTube चैनल है वहाँ पर जाके इनकी वीडियो को ओरिजिनली भी देख सकते हैं। तो ये आपको एक बार तो विजिट जो है कर लेना चाहिए, इनका ना काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो, क्या है, कैसे है और इंडिया कैसे कंफ्यूज है, चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू द मोस्ट कंफ्यूजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। हमारा देश है काफी कंफ्यूजिंग देश है, क्योंकि जब आप और हम इंडिया के बारे में सोचते हैं तो ये समझ नहीं पाते वेदर वी शुड बी प्राउड और अशेम ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे एक देश में दो भारत। एक भारत जहाँ करोड़पति लोन लेकर भाग रहे हैं और एक वो भारत जहाँ बिजनेसमैन प्रॉफिट से ज्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एक भारत जो आज भी धर्म के नाम पर आग लगा रहा है और दूसरा वो भारत जो कल को भुलाकर गले मिल रहा है। एक भारत जो दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज का घर कहलाता है और दूसरा वो भारत जो क्लीन सोलर एनर्जी को हर घर तक पहुँचा रहा है। तो हम कौन से भारत का हिस्सा है ये जानने के लिए आज मुझे आपको दूसरे भारत से मिलाना पड़ेगा। तीन ऐसी कहानियां जो लगती इम्पॉसिबल है लेकिन सच है। तो अगर आपको ये कहानियां पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही भारत के बारे में छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर वन, कैन इंडिया मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पूप? इम्पॉसिबल लगता है राइट? लेकिन पद्मभूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने करके दिखाया। भारत के आधे पॉपुलेशन के पास टॉयलेट्स नहीं है तो इन्होंने 1970 से 15 लाख टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। उनके पे एंड यूज टॉयलेट्स को आप सुलभ शौचालय के नाम से जानते हैं। लेकिन एक स्टेप आगे जाते हैं, उन्होंने सोचा टॉयलेट से निकलने वाले इस वेस्ट का क्या होगा, बायोगैस। सुलभ शौचालय, तो ये इस बंदे का सारा कंसेप्ट था, मुझे बताया कि गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। भारत के 190 सुलभ शौचालय में ऐसे एनर्जी रिकवरी प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ ये वेस्ट प्रोसेस होता है, डीकम्पोज होता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कुकिंग करने के लिए और स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप करने के लिए आपके आउटगोइंग का यूज होता है। एंड नॉट जस्ट गैस, ट्रीटमेंट के बाद जो पानी बचता है उसे प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। आपका वेस्ट प्लांट्स के लिए ट्रेजर होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है। ये इतना कूल है कि लगता इम्पॉसिबल है लेकिन सच। नंबर टू, गरीब लोग महंगे सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन महीने के 10 रुपए दे सकते, उसमें सरकार की तरफ से 30 रुपए जोड़कर उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बन सकता है। साल के सिर्फ 150 रुपए देकर अगर हार्ट सर्जरीज होने लगे तो इम्पॉसिबल लगता है राइट? लेकिन आज 1 करोड़ लोग इस लो कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा है। 1 लाख से ज्यादा लो कॉस्ट सर्जरीज हो चुकी है। ये सब पॉसिबल हुआ है डॉक्टर देवी शेट्टी की वजह से। He is a cardiac surgeon who founded Narayana Health. प्रॉब्लम गरीब लोग नहीं, प्रॉब्लम गरीबी। नारायण हृदयालय दुनिया का सबसे चीपेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है, बट चीप डजंट मीन लॉस मेकिंग। यहाँ भारत की 12% हार्ट सर्जरीज होती है। ज्यादा सर्जरीज करने की वजह से सर्जन्स एफिशिएंट हो जाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट स्प्लिट हो जाते हैं और उन्हें उनके सप्लायर से चीजें कम कॉस्ट में मिलती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सही यूज कोई इनसे सीखे। लेस कॉस्ट लेकिन बेटर क्वालिटी, लगता इम्पॉसिबल है लेकिन सच। नंबर थ्री, क्या एक औरत के 8,000 बच्चे हो सकते हैं? इवन आफ्टर 25 इयर्स ऑफ मैरिज थिमक्का फ्रॉम होलिकल कुड नॉट हैव अ बेबी ऑफ हर ओन। तो उन्होंने क्या किया, उनके हस्बैंड के साथ 380 से ज्यादा बैनियन ट्रीज और 8,000 दूसरे ट्रीज प्लांट किए और उन्हें अपना वारिस समझकर बड़ा किया। आज थिमक्का 109 साल की है और पिछले 70 सालों से वो इस हाईवे पर पेड़ लगा रही है। वो कभी स्कूल नहीं गई, ना ही वो क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में जानती, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि पेड़ छाव देते हैं। इस छोटे से गांव के एनवायरमेंटलिस्ट को पद्मश्री अवार्ड लेते वक्त भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट को आशीर्वाद देते हुए जब हम देखते हैं तो ये क्यूट सा मोमेंट लगता इम्पॉसिबल है लेकिन सच। सच है कि हमारे भारत में दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन यहाँ से आ सकते हैं। हमने पेट्रियटिज्म को काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया लेकिन हो सकता है वो काफी सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं,
हम कौन से भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं? पहले भारत का जो किसी भी प्रॉब्लम को देखकर पहले ही हार मान जाता है, या दूसरे भारत का जो दूसरे किसी के सॉल्यूशन ढूंढने की वेट नहीं करता? इंडियाज 50% पॉपुलेशन इज बिलो 25, यानी आज एक 50-50 चांस है कि आपके ओपिनियंस अभी तक रिजिड नहीं हुए। Then why not support that Bharat that you want to see growing? Demand and supply का रूल है। जैसी न्यूज़ को आप ज़्यादा शेयर करेंगे, वैसी ही न्यूज़ को ज़्यादा पाएंगे। जिन लोगों को आप सपोर्ट करेंगे, वैसे ही लोग उभर कर आएंगे। हर छोटा कदम जिस डायरेक्शन में उठाएंगे, उसी डायरेक्शन में भारत को ले जाएंगे। So if you like this video, then share it with your friends, because आज हमें ऐसे प्रैक्टिकल पेट्रियट्स की जरूरत है, जो अपने लेवल पर छोटी छोटी चीजें करते हैं, अपने काम को रिलीजियसली करके आगे बढ़ते हैं, और आज इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को कल के सच में बदलते हैं। क्योंकि इस दूसरे वाले भारत को पहले वाले भारत से इंडिपेंडेंट करने से मुझे फर्क पड़ता है। कमाल की वीडियो थी, सही में भाई कमाल की वीडियो थी। और वो जो तीन शख्सियत का जो जिक्र किया इस वीडियो में, वो तो भाई कमाल ही थे सही में। वो पहला बंदर थे, ठीक है, अब मुझे उनका नाम याद नहीं हुआ, वो था बीच में शुरू में, पर उन्होंने जो हमारा ह्यूमन वेस्ट है, हमारी पुप, उससे उसको यूज़ किया। अब उसको वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहे हैं प्रोड्यूस, बायोगैस भी जो है उससे बन रही है, और फिर जो उससे जो पानी बचता है उसको खेतों में यूज़ करते हैं। और वैसे भी आप लोग बचपन से सुना ही होगा कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको खाद की तरह यूज़ किया जाता है। ह्यूमन वेस्ट का, किसी भी तरह का वेस्ट हो, हम गाय के या फिर जो है भैंस के गोबर को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वेस्ट तो है पर वो जो है प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और अब मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाना चाहता, पर थोड़ा सा जो है बता देता हूँ कि प्लांट जो होते हैं वो सीधा नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको मतलब नाइट्रोजन को उनको किसी और वे से ही लेना पड़ता है, या फिर वो ज़मीन से लेंगे या फिर खाद के थ्रू लेंगे। तो हमारे ह्यूमन वेस्ट में या किसी भी जानवर के वेस्ट में वो मिलता है। तो ये सब तो हम जानते थे, पर उस बंदे ने उसे अप्लाई किया है, ये बहुत बड़ी बात है अप्लाई करना। वरना आप सब या मैं सब, मतलब मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, हैं, पिछले 7-8 साल से सोच रहा हूँ कि मैं ना ऐसी बॉडी बनाऊँगा ऐसे, पर अप्लाई नहीं होता है, मेहनत वाला काम है ना। पर इन तीनों बंदों ने, जिनका भी आई थिंक दो बंदे और एक जो वो दादाजी हैं, उन्होंने जो किया, जो सोचा वो उन्होंने फिर कर दिया। और जो दूसरे बंदे हैं उन्होंने मतलब उनका सबसे चीपेस्ट हॉस्पिटल्स की एक चेन है, और वो इतना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा इलाज वो सस्ते में दे रहे हैं। और वो जो दादी जी थी, मतलब जो है पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, क्या होती है, क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर भी इतने पेड़ लगा दिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक बात पता है कि पेड़ फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। ये तो वैसे भी हर किसी को पता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, इतना तो सबको पता है कि भाई पेड़ से नुकसान तो नहीं पहुँचता है, ठीक है। पेड़ होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो आजकल पेड़ रखने का कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा। अब तो आप किसी गांव में जाओगे ना, अगर वो गांव थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, तो वहां पर भी लोग आजकल पेड़ नहीं उगा रहे हैं, मतलब वो इतनी सी ज़मीन भी नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई वहां कुछ उगा लें, उतनी सी ज़मीन पे भी वो कुछ ना कुछ अच्छा टायर टूर लगा के ना उसे भाई कवर कर लेंगे, कब्ज़ा हो जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो से एक ही बात कन्फर्म होती है, पूरी वीडियो थी, एक ही देश के दो हम कह सकते हैं कि पहलू जो है ना, एक ही देश के दो पहलू, इंडिया और भारत। भारत वो जो कि अभी थोड़ा अंडर डेवलप है, और इंडिया वो जो डेवलप हो चुका है, दोनों ही नाम एक ही देश के हैं, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है, उसमें भी इन दोनों का ही मतलब ये दोनों नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत भी है और इंडिया भी है। और पर अब अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो दिल्ली का कोई दूर दराज का गांव वो है भारत, और न्यू दिल्ली वो है इंडिया। आप तो जानते हैं कितना कल्चर
डिफरेंस भी होगा। न्यू दिल्ली वाले जो है, जो न्यू दिल्ली में रहते हैं, वो कुछ और ही होते हैं, कुछ और समझते हैं अपने आप को, और जो किसी दूर दराज के गाँव में रहते हैं वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा लो लेवल का उन्हें समझा मतलब जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये था, बहुत अच्छी वीडियो थी। आज इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस। और ये बहुत अच्छा टॉपिक था, इस पर बात होनी चाहिए थी। इंडिया में हर तरह की प्रॉब्लम है, बेशक है, मतलब हमारे यहाँ सब कुछ है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, इतना पोल्यूशन है, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में भी हम आगे चल रहे हैं, कुछ सालों में तो हम चाइना को भी जो है पीछे छोड़ देंगे, पर सोल्यूशन भी तो हमारे पास ही है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सोचें। पर इंडिया में क्या दिक्कत है ना, सोल्यूशन कोई बंदा सोच भी लेता है या तो गवर्नमेंट सोचेगी तो सपोर्ट को ज़्यादा खास मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब हर अच्छी चीज़ के लिए भी आपको मतलब उसका विरोध करने के लिए भी इंडिया में लोग होते हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। और उनके पास अपने ही लॉजिक होते हैं भाई, मतलब अपोज करने के। तो अब क्या करें भाई, डेमोक्रेसी है, कोई चाइना की तरह कम्युनिज्म तो है नहीं, तो बोल दिया तो भाई बोल दिया, डेमोक्रेसी है, सब अपने अपने राय दे सकते हैं। और फिर भी हम इंडियंस को अपनी जो हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सोचना चाहिए कि हम खुद भी सॉल्व कर दें, सब कुछ गवर्नमेंट पे तो नहीं करना चाहिए। बाकी जो तीनों एग्जांपल्स हैं बड़े ही कमाल के बंदे हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि अगर इनका कोई सोशल मीडिया हैंडल है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूँ, आपको भी देख रहा है इनको जाके फॉलो कीजिए, महान बंदे हैं यार। और महान बंदों को फॉलो करने से ना थोड़ी बहुत उनकी महानता भी अपने अंदर आने लगती है, और आ गई तो क्या पता एक दिन मैं आप ही वीडियो बनाऊँ। चलिए इस नोट पे खत्म करते हैं वीडियो को, बाय बाय।